इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम चले क्या एक एसी के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है, और किस प्रकार से मतलब होता है, तो देख ले पैकिंग वगैरह किस प्रकार का आता है ताकि आपको पूरा क्लियर मालूम चले, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा एक अलग ही मस्ती। तो आज हम लोग करने वाले हैं वोल्टास एसी का अनबॉक्सिंग और चलिए देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो सब आपको मिले। मैं एक एसी टेक्नीशियन हूँ और इलेक्ट्रॉनिक चीज चाहे जो भी हो सबका आपके बारे में मैं बताऊंगा इस चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब करके और घंटी को जरूर दबा के रखें ताकि जितना भी वीडियो मैं बनाऊँ वो सारा वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इसका शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं और वीडियो को पूरा ही देखिएगा। एंड में आपको ये इसका एक खूबी बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए पहले आउटडोर को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले काट लेते हैं, जो बाद में एक केल वगैरह निकाल लेते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं इधर से काटा, ऐसे डायरेक्ट उठाइएगा तो भी उठ जाएगा, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इसका पैकिंग होता है। तो ये निकल गया हमारा डब्बा और डब्बा के अंदर आइए देखते हैं। तो डब्बा हो गया खाली, अंदर बस एक फोम लगा हुआ है और एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी साइड कर देते हैं उसके बाद में चलिए देखते हैं। तो इसके साथ आता है इसका कंडेंसर, कुत्ता की कंडेंसर पच ना हो इसलिए कार्टून लगा था। उसके बाद में इधर पाइप आता है जो 3 मीटर का होता है, 1/4 इंच पाइप होता है, ठीक है। उसके अंदर एक पैकेट आता है, इस पैकेट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ये आ गया आपका एक वाटर पाइप मिलता है और ये जो है वो आपका जो होल होता है उसमें लगाने के लिए होता है। उसके बाद में POP आता है, फिर काफ़ी सारा आता है, पाइप को कवर करने के लिए टेपिंग आता है जो कवरिंग कर देने से देखने में एक अच्छा लगता है और जल्दी जो नाइट्रिल ट्यूब है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, ठीक है। एंड में आपको इसका एक खूबी बताऊंगा जो कि आपको लेना चाहिए ऐसी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का दिखता है पूरा, काफ़ी बढ़िया दिखता है, इन्वर्टर ऐसी है। तो चलिए अब इंडोर को करेंगे अनबॉक्सिंग। तो हमारा आ गया इंडोर यूनिट, इसको भी खोल लेते हैं और देखिए क्या क्या चीज़ आता है इसके अंदर भी देख चेक कर लेते हैं। ये सब चीज़ ध्यान से देखें, कई बार होता है ना कि कोई पार्ट्स ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं, कंपनी की तरफ से सारा चीज़ आता है, तो आप देख ले कि क्या क्या चीज़ आता है। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसी टाइम में कंप्लेन करें, ठीक है। बाद में कंप्लेन करने से फिर आपको नहीं मिलेगा, जब टेक्नीशियन आपके पास हो उसी टाइम में आप कंप्लेन करें और कंप्लेन करके वो सामान ले ही ले। और आप कंप्लेन करेंगे तो खुद ही जो जिस शोरूम से जिस डीलर से आप लेंगे वो डीलर आपको दिला देगा अगर कोई चीज़ का कमी रह जाता है, कोई चीज़ नहीं आ पाता है। तो ऐसे तो मैंने नहीं देखा है कि कोई चीज़ नहीं आता है। चलिए इसका गट्टा निकाल दिए, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया पैकिंग आता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लास्टिक बॉडी है तो उसमें कोई नहीं। ये इसमें के अंदर एक पैकेट आता है, चलिए पैकेट खोल के देखते हैं कि अंदर क्या है। तो पैकेट को खोल दिया और इसके अंदर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक बुक दिख रहा है। चलिए देखते हैं पहले क्या चीज़ निकलने वाला है। खुल जा सिम सिम, तो ये आ गया आपका मैनुअल बुक, इसके थ्रू आप एसी को चला सकते हैं। ऐसे इसका ज़रूरी नहीं आता है, फिर भी आप देख लें, कभी कभी काम में आ जाता है। ये आपका रिमोट है, उसके अलावा उसका एक स्टैंड भी आता है वाल में हैंग करने के लिए और 2 कील आता है स्टैंड को लगाने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए इसका, और इसके अंदर एक वायर भी आता है जो कि 3 मीटर के आसपास का होता है इंडोर टू आउटडोर के लिए, और इंडोर से डायरेक्ट मेन लाइन में लगने के लिए ऑलरेडी इसके अंदर लगा ही हुआ आता है। बाइक साइड में स्टैंड रहता है, वॉल माउंटिंग स्टैंड। और इसका आउटडोर का क्लोज लुक देख लीजिए, इस प्रकार का पूरा दिखता है, काफ़ी सुंदर दिखता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है मॉडल, ठीक है। उसके बाद में इंडोर को चलिए देखते हैं।
इंडोर भी देख लीजिए किस प्रकार का दिखता है, पूरा इस प्रकार का दिखता है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, इसका खूबी है कि ये R32 गैस है और इस ये 3 स्टार में है, इम्पोर्टर एसी R32 गैस के साथ आता है। तो इसका खूबी यही है कि ये R32 जो गैस होता है ना, ये काफ़ी बढ़िया कूलिंग देता है। और इस एसी को लेना हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।